राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कुछ ही देर पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सीतापुर की सिधौली विधानसभा क्षेत्र से एक जोरदार हमला बोला है विपक्षी पार्टियों पर, और उस दौरान पल पल की नज़र जो है आई इंडिया की रही, क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा और आगे क्या कुछ उनके मायने निकलने वाले हैं। जैसे कि सभी जानते थे कि भाजपा फिर से हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी, और वो आज मुख्यमंत्री के भाषण में साफ तौर पर सुनाई दिया। उन्होंने कैसे इशारों में आजम खां को लेकर के भी तंज कसा, और साथ ही सैफई को लेकर के यादव परिवार को भी निशाने पर रखा, कांग्रेस भी उनके निशाने पर रही और बसपा का हाथी भी कम निशाने पर नहीं रहा। तो हम इसको लेकर के आज चर्चा करेंगे और उसी स्थान पे हम खड़े हैं। पहले तो आपको दिखाएंगे कि ये करीब 500 करोड़ रुपए की सौगात सीतापुर वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है, जो विकास योजनाओं की करीब लोकार्पण और शिलान्यास उनकी लागत या उनका मूल्य कहिए तो 500 करोड़ के आसपास आता है। आज से सीएम ने चुनावी बिगुल फूंका है और उस विधानसभा जो सिधौली है जहां से बिगुल फूंका है, जहां पर 41 सालों से भाजपा अपना कमल नहीं खिला सकी है, इस बात की पीड़ा मुख्यमंत्री में भी देखने को मिली। और उन्होंने लोगों का यही आह्वान किया, अगर वो यहां से विधायक को चुने होते तो यहां भी बहुत सारे विकास कार्य हुए होते। तो हम आज उनकी जो सभा हुई है उसके बाद क्या कुछ रहने वाला है, क्या आज से भाजपा ये मान लें कि भाजपा ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है, और उनके निशाने पर कौन कौन दल रहने वाले हैं और आगे वो क्या मुद्दा बनाने वाले हैं। आज जैसा कि आपने देखा उदय, इसको लेकर के क्या लगा आपको कि सरकार जो है अब इसी तरीके से मुद्दे सरकार के सामने आएंगे और ख़ासकर आजम खान उनके निशाने पर होंगे, राम मंदिर का मुद्दा उनके साथ रहेगा और साथ ही कांग्रेस और बसपा और अन्य पार्टियां भी निशाने पर रहेंगी। जी, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से आज अपने संकेत दे दिए हैं, इशारा कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि पहले यहाँ 2017 के बिजली नहीं मिलती थी, अब भरपूर बिजली मिल रही है, अब बिजली मिलने में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इशारों में उन्होंने आजम खां पर तंज किया और कहा सीतापुर में जेल तक बिजली मिलती है और सीतापुर और रामपुर में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस, बसपा और सपा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले राशन उधर रोकूंगा मैं, कि जेल का उन्होंने जो जिक्र किया वो शायद इसलिए किया क्योंकि जो आजम खां हैं वो सीतापुर जिला कारागार में पिछले करीब 20 माह से बंद हैं, तो क्या जेल का जिक्र उन्होंने इसीलिए किया? जी, निश्चित तौर पर इसीलिए किया कि आजम खान पिछले कई महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। तो उन्होंने इशारों में वही बात बताने की कोशिश की कि आजम खान अपने जो उन्होंने किया सरकार रहते हुए, जो उसके चलते घोटाले किए और जो भी उन पर आरोप लगे हैं उसके चलते उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि अब जो घोटाला इस हमारी सरकार में करेगा वो निश्चित तौर पे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उनके भाषण में और क्या कुछ खास रहा? सैफई का भी जिक्र आया है, कांग्रेस का भी जिक्र आया है और बसपा के हाथी को लेकर के भी उन्होंने तंज कसा है, तो क्या कुछ कहा है? उन्होंने साफ कहा कि पहले 2017 के पहले जो राशन गरीबों के लिए आता था वो या तो हाथी खा जाता था, हाथी का पेट बहुत बड़ा होता था, या सैफई चला जाता था, और अब पूरा राशन गरीबों को मिल रहा है। कांग्रेस पर उन्होंने तंज करते हुए कहा कि वो कांग्रेस गरीबों के खाते नहीं खुलवाती है, इसलिए क्योंकि गरीबों का खाता खुला तो कांग्रेस का खाता बंद हो जाएगा। अब गरीबों के खाते बैंक में खुल रहे हैं और जो सरकार की योजनाएँ हैं उनका 100% पैसा खातों में पहुंच रहा है गरीबों को। पहले वो 100% पैसा नहीं पहुंचता था, बीच में बिचौलिए खा जाते थे उसको। तो इस तरीके से विपक्षी पार्टियों को भी उन्होंने निशाने पर लिया, और साथ ही आपको बता दें कि जो उनका मुख्य निशाना समाजवादी पार्टी ही रही, सैफई का मामला हो या आजम खां का मामला हो, उन्होंने नैमिषारण का भी जिक्र करना नहीं भूला और कहा जब वो चुनाव प्रचार के लिए नैमिषारण आए थे और सौता गए थे, यहाँ के लोगों ने उन्हें जो 7 सीटें दी, इसके बाद उनमें कशिश दिखाई दी कि
दो सीटें जो कम रही हैं इस बार, आह्वान भी किया उन्होंने कि सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए, ऐसा आह्वान उमड़ी भीड़ से उन्होंने किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आज जो श्री गणेश कर दिया है, ये माना जा रहा है कि चुनावी श्री गणेश था और उन्होंने उस विधानसभा क्षेत्र को चुना है जहां पर हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। उदय से हम जानेंगे कि आज जो भाषण उनका रहा उसमें राम मंदिर का भी जिक्र आया है और नैमिषारण्य जो पौराणिक स्थल है उसको भी उन्होंने जोड़ने का काम किया है, लोगों को कहीं ना कहीं दिल से जोड़ने का मुख्यमंत्री ने एक समान आज काम किया। जी, मुख्यमंत्री जी के भाषण में आज स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि उन्होंने किस तरह से हिंदुत्व का कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य की हजारों साल पुरानी विरासत को सीतापुर संजोए हुए है और राम मंदिर निर्माण को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोधी दल क्या राम मंदिर का निर्माण कराते, लेकिन भाजपा ने राम मंदिर का निर्माण शुरू करा दिया है, ये उन्होंने साफ तौर पर आज कहा। और जो उन्होंने यहाँ की 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है नैमिषारण्य, उसके लिए भी बताया कि जब दुनिया में अंधकार छाया तो कैसे वहाँ पर ऋषि मुनियों की तपस्या काम आई, इसका भी जिक्र किया। जी बिल्कुल किया, उन्होंने कहा कि जब दुनिया में अंधकार छाया था तो नैमिष की पावन धरा पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या करके उस अंधकार को दूर किया था और ये वही पावन भूमि है जहाँ भागवत कथा लिखी गई थी, उसको यहाँ संतों ने बैठ करके उसको गढ़ा था। तो महर्षि दधीच की तपोभूमि है, कैसे दैत्यों का वध करने के लिए यहीं पर महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों को दान किया था, तो लोगों को ऐसे जोड़ने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। अब देखना यह होगा कि उनकी यह सभा क्या कमल खिला पाएगी या नहीं, फिलहाल यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अन्य दलों से आगे भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में निकल गई है, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने आज से कर दी है सिधौली में। यह भी अलग बात है कि यहाँ पर दो दलों के विधायक वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी का भी विधायक समाजवादी पार्टी से गलबहिया किए हुए है, ऐसे में जो वो आगे निकलते दिखाई दे रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी सभा कर एक समान शंखनाद कर दिया है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभु शुक्ला और अपने सहयोगी उदय प्रकाश सिंह के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।